morning, ma'am. My hero for today is Mr. Sunny Shah. Why so? Because we are living in a time where people don't have time for themselves to think. They are so much busy in their daily routine life. So, but I have a person with me who thinks for not only himself but other people as well. He is the founder of International HR Council and he is my hero. So I'll start my interview with him. Okay. Sir, before moving on to your life, could you just brief us about what is human rights, basically? See, exactly, the human right is the thing, no one can spread the human right, what is exactly human right, but human right is given in the language of law. So, आप उसको law की language में आप पकड़ सकते हो, क्योंकि वो उसकी जो परिभाषा है, वो कानूनी लिहाजे में है, और कानूनी लिहाजे में होने के कारण से जल्दी से इंसान समझ नहीं पाता कि मानव अधिकार है क्या चीज़. Right. लेकिन मानव अधिकार का जो जन्म है वो जन्म 1215 में हुआ था और वो उस सदी में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता था. उसके बाद में धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया वैसे अलग अलग राइट्स आते गए. फ्रेंच राइट्स आ गए, फ्रेंच ने अपने राइट्स बनाए, यूएस ने अपने राइट्स बनाए, ऐसे अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने राइट्स बनाते गए. लेकिन ये सब राइट्स बनने के बाद में ये हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंडीशन हुई जिन कंट्रियों को, जो कंट्रियों को सफ़र करना पड़ा, वो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत दर्दनीय था वो चीज़. इसके लिए फिर कहीं पे यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ 1945 में. okay. उसके बाद में उन्होंने कहीं पे ये सोचा कि ये जितनी कंट्री की अलग अलग राइट्स हैं जो ह्यूमन राइट को बचाने के लिए, उसको सबको हम एक बैनर में एक पोजिशन पर लेके आएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनेगा. तो उसके बाद उन्होंने 1948 में यूनाइटेड नेशन ने ये भूमिका ली कि उन्होंने सारी कंट्रीज को जमा की अपने पास, ये सारे अलग अलग छोटे छोटे बिल्स सबको कहा कि स्क्रैप करके एक ह्यूमन राइट्स बनाते हैं, हम सब मिल के बॉन्ड करते हैं, सब जितने भी कंट्रीज है उसके अंदर मेंबर्स रहेंगे और उस तरीके से हम पूरे देश में पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का सर्वेक्षण कर सकते हैं कि जिससे ह्यूमन राइट लोगों के बचे रहें करके. ये स्टार्ट हुआ 1948 में, वो ड्राफ्ट हो गया, उसके बाद में वो इम्प्लीमेंट हो गया. उस टाइम पे उसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर से 65 कंट्रीज ने सिग्नेचर किया था और उसको अपने अपनी अपनी कंट्रीज में इम्प्लीकेट कर दिया. उसके बाद में ये चीज़ और आगे बढ़ती गई और इंडिया की खास करके हम जो बात करें तो इंडिया की सबसे पहली एजेंसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो गवर्नमेंट एजेंसी है, वो एजेंसी सबसे पहले 93 में इस्टेब्लिश हुई इंडिया में. तो इंडिया में इसका अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि शुरुआत में जब हमने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी तो हमें ऐसा लगा था कि शायद जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, उनको शायद जानकारी नहीं होगी मानवाधिकार के प्रति, और जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको शायद मानवाधिकार के बारे में जानकारी होगी. लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर जाके काम किया हमने, जमीनी स्तर पर जाके, तो उनको ये मालूम हुआ कि मानवाधिकार, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो कि बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठे हैं लेकिन उनको भी पूरी तरीके से पता नहीं कि मानवाधिकार क्या है. उनको इतना पता है कि वो एक छोटे से वाक्य में आपको कहेंगे कि हाँ ये हमारे मानव के अधिकार हैं, लेकिन ब्रीफली इन द डिटेल जाके उनको किसी को नहीं पता है कि वो क्या चीज़ है, क्यों बनी, कहाँ से आया. और इसकी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, क्योंकि 48 से लेकर 93 बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, एटलीस्ट 50 ईयर्स का डिफरेंस है. तो कहीं जाके जो 50 साल का जो फर्क रहा है गवर्नमेंट को इम्प्लीकेशन करने में इंडिया में, वो भी एक उसकी जिम्मेदारी है. लेकिन उसके अलावा भी इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक एजेंसी इस्टेब्लिश की, फिर भी इसकी अवेयरनेस पूरी तरीके से नहीं हो पाई. उसके बाद में क्या होगा कि आस्ते आस्ते हमारी तरह बहुत सी एनजीओज हैं जो ह्यूमन राइट्स पर काम करती है इंडिया में, तो वो सारे लोगों ने फिर स्लोली स्लोली अवेयर करते 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 लोगों को अवेयरनेस देते हुए यहाँ तक आप पहुँचा है कि कम से कम आप ये बोल सकते हो कि एटलीस्ट 10% पब्लिक ऐसे हैं जो ह्यूमन राइट्स जानते हैं इंडिया में. अभी भी 90% ऐसे हैं कि जिनको पूरी तरीके से ह्यूमन राइट्स पता नहीं. सर, आप आपकी एजेंसी बेसिक मतलब क्या क्या काम करती है, व्हाट इज द स्कोप? हमारी जो एजेंसी है, सबसे पहले तो देखिए, काम करने के लिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि बिना नॉलेज के कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता. बराबर. स्टार्टिंग में जब हम इम्प्लीकेट कर रहे थे, हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर हमने कहीं पे ये पाया कि जब लोगों को इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं. right. तो इसलिए सबसे पहले तो उसको नॉलेज में डालना होगा. तो नॉलेज के लिए अब तक तो हम अवेयरनेस कर रहे थे, पर्सनल लेवल पर जितना मुझसे काम होता था उतना करता था, लेकिन जितने भी मेरे मेम्बर्स जो जुड़ रहे हैं इसके अंदर,
वो इस टाइम पे तो उनको सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत थी कंट्री को, क्योंकि अवेयर ही नहीं होगा जब जागरूकता ही नहीं आएगी, ह्यूमन राइट्स है क्या वही नहीं पता होगा तो आदमी उस पर काम कैसे करेगा। लेकिन मेजरली हमारा जो कंसर्न है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये कंसर्न है कि सबसे पहले तो मानव अधिकार को अवेयर करे, उसके बाद में उस पर काम करे। और एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड बहुत सी इश्यूज होती हैं क्योंकि इतना बड़ा देश है, 125 करोड़ की जनता है यहाँ पे, तो हर आदमी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज होता है कि उसका काम नहीं हो पाता। तो हम कोशिश करते हैं कि उस गरीब आदमी को उसका न्याय मिले, उसकी हक की लड़ाई हम लड़ें। अगर उसके साथ कहीं हनन होता है, कहीं मानव अधिकार उसके उल्लंघन किए जाते हैं, तो उसकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम उसको मदद करते हैं। तो सर, ऐसा कुछ इंसिडेंट या कुछ था जिसने आपको प्रभावित किया ये फील्ड में आने के लिए, ह्यूमन राइट्स करने के लिए? सर, फील्ड में प्रभावित ऐसा था कि करने का जोश तो बचपन से ही था कि कुछ करना था, समाज के लिए करना था, क्योंकि ये जीवन मिला है वो एक ही बार मिला है बराबर, और वो जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अगर वो मैंने सिर्फ अपनी फैमिली या अपनी लाइफ जीने के लिए ख़त्म कर दिया तो शायद कुछ भी बचेगा नहीं, अगर हमारे जैसे लोग आगे नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप एक उदाहरण हमारे देश में सबसे बड़ा लो तो शायद कहीं पे महात्मा गांधी भी शायद घर पर बैठ के काम कर सकते थे, उन्हें क्या ज़रूरत थी कि पूरे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ें। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं हमें जागरूक करती है कि जो जो शहीदों ने, जो हमारे फ्रीडम फाइटरों ने जो बलिदान दिया है, तो उस चीज़ों को और आगे बढ़ाते हुए लोगों को समाज के लिए काम करना पड़ेगा। सर, आपके इस करियर तो इसमें जो था ना कि मैं शुरुआत में सिर्फ एक संगठन में गया था कहीं पे, जहां मैंने सबसे पहले एक मेंबरशिप ग्रहण की, और मुझे सिर्फ इंटरेस्ट था उस टाइम पे कि सिर्फ मैं मेंबर बन के रहूँ कहीं पर। उस संस्था ने कहीं पे मुझे में कोई एबिलिटी देखी तो उन्होंने सोचा कि आप मेंबर तो हो ही हमारे, लेकिन उसके बावजूद आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप एक अच्छे से लीडरशिप कर सकते हो करके। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे मुंबई डायरेक्टर बनाया उस अपनी संस्था में। उन्होंने वो बनाने के बाद में मैं उसमें शुरुआत में मैं काम करता रहा, पेपर वर्क एडमिनिस्ट्रेशन मेरा स्ट्रांग था, उसके अनुसार लोगों के काम भी होते गए। जब काम लोगों के होते गए मेरी कार्रवाई पे, तो मुझे और मज़ा आने लगा कि भाई लोगों का काम हो रहा है ना, तो मेरे को उससे बढ़ के कुछ नहीं चाहिए, पता नहीं कब किसके काम से क्या हो जाए। और लोगों का काम करने में मुझे बड़ा आनंद होता है, तो मैं वो काम करता चला गया। उसके बाद में कहीं पर कुछ चीज़ें उनके साथ में मेरी नहीं जम पाई, कुछ चीज़ों पे जो कि वो मेरी चीज़ों से सहमत नहीं थे, क्योंकि मेरे पास हमेशा एक चीज़ होती थी कि हमेशा एक एडवांसमेंट हर चीज़ में होना चाहिए, जो कि वो संस्था उस एडवांसमेंट के कदम पे नहीं चल रही थी। फिर कहीं जाके मैंने कहीं पे सोचा कि चलो कुछ नहीं तो कुछ लोग जो मेरे साथ थे या जो मेरे पीछे जो चले थे जो फॉलोअर्स थे, उनका सबका ये सोचना था कि हम एक अपनी खुद की संगठन बनाएं। उसके बाद हम लोगों ने अपनी खुद की एक संगठन बनाई और 2010 में उसको रजिस्टर किया। उसके बाद में हम आज तक चलाते आ रहे हैं, और जो एडवांसमेंट की कोशिश मेरी उस संगठन के लिए थी, वो एडवांसमेंट आज पूरी पूरा देश, पूरे सारे मेरे मेंबर देख रहे हैं कि ये संगठन कहाँ से कहाँ पहुँची। सर, आपको एज वी ऑल नो कि इंडिया में कुछ भी लीगली करना कितना टफ है, तो आपको ये काम करने में कुछ चैलेंजेस, कुछ तकलीफ, कुछ अड़चने आए? चैलेंजेस तकलीफ सब आती है। देखिए क्या है कि कुछ लोग समाज में ऐसे है कि जो चीज़ समझते ही नहीं, जैसे कि एक चीज़ का प्रोटेस्ट, ठीक है, एक चीज़ का, जैसे कि कहीं पे कोई चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे कोई चीज़ की मतलब निंदा हो रही है, तो कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, छोटी छोटी बात के लिए भी प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं। तो प्रोटेस्ट इज अ नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन ही देगा। लेकिन ये लोगों को नहीं समझ में आता, उन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी काम हो सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटेस्ट इज अ लास्ट स्टेज। लेकिन कुछ लोगों ने उस चीज़ को एजेंडा बना लिया, हर चीज़ में आगे पहले प्रोटेस्ट कर दूँ, उनको एक पब्लिसिटी की जरूरत होती है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि गरीब को न्याय नहीं मिला हो मेरे पत्र पे। लेकिन वो मैटर करता है कि आप उनके सामने अपनी चीज़ें प्रेजेंट कैसे करते हो, तो वो मेरे लिए कहीं पे भी कोई टफ चैलेंज नहीं रहा है। इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कितने अच्छे ऑफिसर है, कहीं ना कहीं उनमें मानसिकता थी, उन्होंने कहीं ना कहीं दिल से मेरा शुक्रिया अदा किया कि कितनी जगह पे ये एक्सपीरियंस हुआ कि कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में उनका रोज इंटरेक्शन होता है, पुलिस का, गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, बीएमसी ऑफिशियल्स हो गए। लेकिन कहीं कहीं पे हमको ये भी कमेंट सुनने में आए कि इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी, लेकिन कहीं पे कुछ चीज़ आपने दिल से की और इंटरेस्ट लेके,
मतलब बहुत एक रिसेंटली एक 2-2.5 साल पहले का एक केस आया था मेरे पास में कि एक माता पिता थे जिनके ऊपर एक बच्चा उनका खुद का लड़का उनको टॉर्चर कर रहा था। और उसकी मेल मुझे आई थी, आप समझ लो मैनचेस्टर से उसके छोटे बेटे ने मेल किया था मुझे। उनकी एक सिस्टर भी यहाँ रहती थी जो शादीशुदा है बोरीवली में, एक ब्रदर था उनका डोंबिवली में, लेकिन वो सब हैंडीकैप थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने हमको ईमेल से अप्रोच किया, उसके बाद मेरी बात हुई। फिर मुझे कहीं पे तो लगा कि ईमेल पे भेजा है तो शायद कितना जेन्यून है कितना नहीं है। फिर उसकी सिस्टर का फ़ोन आया, सिस्टर से सारी चीज़ें हमने बातचीत की। सिस्टर ने फिर संडे के दिन, उसका भाई नहीं होता तो उस दिन माता पिता से फ़ोन पे बात करवाई मेरी कॉन्फ्रेंस पे। उसके बाद कहीं पे मुझे लगा कि वाकई में इनको मदद करना चाहिए। उसके बाद में हमने डिंडोसी पुलिस स्टेशन पे पड़ता था तो डिंडोसी पुलिस स्टेशन में ऑफिसर को अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद ऑफिसर ने मुझे एक बात कही कि देखिए आप एक NGO हो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और कहीं हद तक हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जो उनके घर से हमारे पास कोई शिकायत लिखा है। तब तक आप भी हैंडीकैप है और मैं भी हैंडीकैप हूँ, अगर उनके घर से कोई आता है यहाँ पे मेरे पास और अगर वो कंप्लेंट करता है तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। इंस्टेंटली हमने उनकी बेटी को और उनके बेटे को बुलवाया, वहाँ पर उनसे रिपोर्ट लिखवाई, उन्होंने अपना रिप्लाई वहाँ पर फाइल किया। इमिजिएटली उस ऑफिसर ने मुझे कॉन्स्टेबल दिया, कॉन्स्टेबल देने के बाद हम गए उनको घर से रिलीज करवाया। रिलीज करवाने के बाद में उनको पुलिस स्टेशन लाया गया, वहाँ पे उनका रिप्लाई लिया गया। तब तक वो उनका लड़का भी पहुँच गया था, लेकिन आप मानोगे नहीं कि बम्बई जैसे शहर में मैं सोच नहीं सकता हूँ कि उनके घर में जब आप घुसते तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि पता नहीं ये जो बुजुर्ग माता पिता थे वो कैसे वहाँ रह रहे थे, नामुमकिन था। वो इतनी गंदी हालत में रह रहे थे, वो और उसके पिताजी को डायबिटीज़ थी और वो लड़के ने उनको सर पे ही कोई चीज़ उठा के फेंक दी थी तो उनकी ब्लीडिंग हो रही थी, वो भी वहाँ पे एकदम सड़ चुका था। इस कंडीशन में वो लोग रह रहे थे और आप घर में बास मानोगे, मतलब एक अच्छी खासी सोसाइटी थी पूरी, उसमें वो घर में कैसे बास इतने गंदे लोग रह सकते वो आप सोचोगे तो, मतलब उसका मैं वाक्य ही नहीं बता सकता। उसके बाद जैसे उनको वहाँ से हमने रेस्क्यू कराया, रेस्क्यू करा के नीचे आए, पूरी सोसाइटी आके वहाँ जमा हो गई और वो लोगों ने दिल से हम लोगों को थैंक्स किया कि हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे लेकिन हमारा टाइम और पीरियड नहीं बन रहा था कि हम पुलिस स्टेशन को अप्रोच करके इनकी तकलीफ बताएं, लेकिन आपने वाकई में सराहनीय काम किया हुआ है कि इनको आप लेके आए यहाँ पे और आज इनको रेस्क्यू करके लेके जा रहे हो, ये माता पिता बहुत दुखी थे। उसके बाद में वहाँ पर पुलिस स्टेशन में इन लोगों के रिप्लाई फाइल हुए, उसके बाद में बाकायदा दोनों माता पिता जो कि शायद मेरे भी दादा दादी की उम्र के होंगे, लेकिन वो दोनों ने मुझको हाथ जोड़ के मतलब किया कि आपने मेरा ज़िंदगी बचाया। और जब उस इंसान के बारे में मुझे पता चला कि वो व्यक्ति क्या था अपने ज़माने में, तो आप खुद आश्चर्य पाओगे कि वो उस किसी ज़माने में वो राजश्री प्रोडक्शन का साउंड इंजीनियर था। अच्छा, तो मतलब इतना बड़ा साउंड इंजीनियर उस ज़माने में, साउंड इंजीनियर यानी बहुत बड़ी बात थी जब राजश्री प्रोडक्शन एकदम हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर रही थी, बड़े बड़े बैनर, उसका एक बैनर था उस ज़माने में उसका साउंड इंजीनियर। और उसकी ये दुर्दशा थी कि मतलब ये कंडीशन थी, मतलब आज भी लोग समझ नहीं पाते, जबकि मानवाधिकार में पूरा प्रावधान दिया है कि आप जैसे एक बच्चा 18 बरस का हो जाता है उसके बाद में उसको पूरी ज़िंदगी अपने माता पिता की देखभाल करनी, इसके लिए कड़े से कड़े कानून बनाए गए, लेकिन फिर भी लोगों की आँख नहीं खुल पाती। आज भी दिल्ली कितने जगह से केसेस आते हैं और ऐसे केसेस में हम बिल्कुल उनकी मदद करते हैं। आप ह्यूमन राइट्स के लिए आउट ऑफ मुंबई भी हेल्प करते हैं? सर हमारी पूरी इंडिया में 27 स्टेट्स में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, और 27 स्टेट्स में हम सक्रिय तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे मेम्बर्स हर जगह से जुड़े हुए हैं। रिसेंटली 2 इंटरनेशनल कंट्रीज से भी हमारी बातचीत चल रही है, जिसमें कि हमको अफ्रीका गवर्नमेंट ने हरी झंडी दे दी हमारी कंट्री में काम करने के लिए। और अभी एक हमने एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया हांगकांग में, जिसके लिए अभी ऑलरेडी परमिशन जा चुकी है, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जब हमको ग्रीन हरी झंडी दे देगी तो उसके बाद हमारा काम वहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, और आप ऐसे ही बहुत लोगों को इंस्पायर करते रहे जो खुद के अलावा दूसरों के लिए भी सोचे और नेशन के लिए कुछ करे। थैंक यू लॉट। श्योर श्योर, आई एम ऑलवेज वेलकम फॉर ऑल।